नमस्कार दोस्तों, मैं शैलेश यादव आप सबका आपके YouTube चैनल यसे पाठशाला कॉर्नर में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की क्लास हमारी प्रॉफिट एंड लॉस लाभ और हानि इस चैप्टर पर आधारित है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, इस चैप्टर से पढ़ने से पहले आपको परसेंटेज अच्छी तरीके से उसको समझना आना चाहिए। अगर नहीं आता तब भी कोई बात नहीं, यहाँ पे आपको पूरी तरीके से वो चीज़ बताई जाएगी। लेकिन जो बच्चे परसेंटेज नहीं पढ़े हैं वो एक बार जाकर परसेंटेज का चैप्टर देख लीजिए, उनको बारी बारी से हर एक पॉइंट पे आपको बताया गया है। एक से लेकर 15 पार्ट तक आपको परसेंटेज पढ़ाया गया, उसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहाँ से जाकर परसेंटेज चैप्टर को पूरी तरीके से पढ़ सकते हैं। परसेंटेज पढ़ने के बाद अगर आपको कहीं भी कोई डाउट हो तो उसको पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। तो सबसे पहले हम प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि, जो नाम से निर्धारित होता है, इसमें लाभ और हानि के बारे में हमको जानकारी मिलेगी। तो उसके लिए सबसे पहले हम पहला नंबर देखते हैं। इसमें पहले नंबर पर क्या होगा, क्रेता, जिसको हम क्या कहते हैं, बायर। बायर क्या होता है, किसी वस्तु का जो खरीदार होता है वही क्या होता है, हमारा बायर होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, क्रेता कहते हैं। दूसरा नंबर विक्रेता, सेलर। विक्रेता क्या, अगर हम जैसे मार्कर को खरीद रहे हैं तो जिससे हम खरीद रहे हैं वह क्या हो गया, विक्रेता, वह क्या हो गया, सेलर हो गया। और जो खरीद रहा है, हम खरीद रहे हैं तो हम क्या हो गए, क्रेता, बायर, खरीदने वाला। तीसरा नंबर देखेंगे, क्रेता और विक्रेता, यह चीज़ आप अच्छी तरीके से समझते हैं। क्रेता विक्रेता बन सकता है, विक्रेता क्रेता बन सकता है। अगर वो किसी और से सामान खरीद रहा है, जैसे मैं ही हूँ, मैं सामान खरीद रहा हूँ अभी, तो मैं क्या हो गया उस समय, क्रेता हो गया। लेकिन अगर उसी सामान को मैं फिर से बेच रहा हूँ तो जो खरीद रहा मैं मुझसे उसके लिए क्या हो गया, मैं विक्रेता हो गया, बेचने वाला। तो सबसे पहले नंबर पे क्रेता और विक्रेता, उसके लिए क्या निर्धारित होती है, क्रय मूल्य, जिसको हम क्या कहते हैं इंग्लिश में, कास्ट प्राइस। और अगला नंबर किसका, विक्रय मूल्य। सेलिंग प्राइस, ये इसको हम सभी देखेंगे। क्रेता देख लिए, विक्रेता देख लिए, क्रय मूल्य, क्रय मूल्य क्या चीज़ है। जैसे हम इस मार्कर को खरीद के लाए हैं, मार्कर को क्या किया, खरीद के लाए, तो ये मार्कर जितने में हम खरीद रहे हैं वह क्या होगा हमारा, कास्ट प्राइस, क्रय मूल्य। लेकिन जितने में हमने खरीदा वह क्या होगा, कास्ट प्राइस, मेरे लिए। लेकिन जो विक्रेता है उसने जितने में बेचा हुआ उसके लिए क्या हो गया, विक्रय मूल्य हो गया। तो विक्रय मूल्य क्या हो गया, अगर हमने इसको 10 रुपये का खरीद लिया, वही 10 रुपये मेरे लिए क्या है, क्रय मूल्य है। लेकिन विक्रय मूल्य विक्रेता के लिए क्या हुआ, विक्रय मूल्य, सरल के लिए। तो और देखेंगे इसमें क्या है, अगला पॉइंट चार हो गया था, पाँचवा नंबर क्या हमारा, लाभ। इसको हम क्या कहते हैं, प्रॉफिट, हानि। लॉस
लाभ क्या है। जैसे हम इस मार्कर को 10 रुपये के लाए, 15 रुपये में बेच दिए, तो खरीदा तो हमने 10 रुपये में लेकिन 15 रुपये में बेच दिया, तो लाभ में क्या अनिवार्य है? जो हमारा विक्रय मूल्य है वह क्रय मूल्य से हमेशा क्या होता है, अधिक होता है। और हान में क्या होता है, हान में जो हमारा विक्रय मूल्य है वह क्रय मूल्य से कम होता है, इसलिए हमको हान होती है। तो इन दोनों चीज़ों को हम बारीकी से समझेंगे। इसको हमने समझ लिया, क्रय मूल्य क्या है, हमारा विक्रय मूल्य क्या, अंकित मूल्य होता है, अंकित मूल्य को भी देख लेंगे। 7वां नंबर, अंकित मूल्य, जो हमारा अंकित मूल्य होता है यह क्या होता है, जो जैसे मार्कर पे जो मूल्य लिखा होता है वह हमारा क्या होता है, अंकित मूल्य। तो इस प्रकार से हमारे प्रॉफिट एंड लॉस में ये टर्म्स है जिसको हमको समझना है। तो ये चीज़ क्रेता विक्रेता, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य आसानी से आप सब समझ सकते हैं, लेकिन आगे हम लाभ हानि इन दोनों विषय में पूरी तरीके से संपूर्ण चर्चा की जाएगी आपको। तो सबसे पहले हम लाभ देखेंगे, प्रॉफिट क्या होती है, तो उसके हर एक पॉइंट को हम समझेंगे, प्रॉफिट में क्या क्या होता है, कैसे होता है और कैसे हम प्रॉफिट को निकालते हैं। तो चलते हम आगे, पहला नंबर हम लाभ देखेंगे, प्रॉफिट। प्रॉफिट, प्रॉफिट में हम लाभ में क्या देखेंगे, जो हमारा जैसे हमने इस मार्कर को, मार्कर का उदाहरण लेते हैं, मार्कर को मैंने 10 रुपये में ख़रीदा और फिर इसको 15 रुपये में बेच दिया, तो हमने लाभ लिया या हानि, अगर हमारी 10 रुपये की क्या हुई, कास्ट प्राइस हो गई, जो हमारी खरीद मूल्य है वह क्या हो गया हमारा, 10 रुपये, लेकिन विक्रय मूल्य कितना हो गया, विक्रय मूल्य हमारा 15 रुपये हो गया, तो हमको लाभ हुआ कि हानि। तो हम देखेंगे ये इसमें हमको 5 रुपये का लाभ हुआ, तो उसको हम कैसे निकालते हैं, विक्रय मूल्य जो है उसमें से क्या निकालते हैं, क्रय मूल्य को। तो विक्रय मूल्य को हम सेलिंग प्राइस CP माइनस SP माइनस CP, SP क्या हो गया हमारा, विक्रय मूल्य, माइनस क्रय मूल्य। इस फार्मूले को हम लिख लेंगे, प्रॉफिट क्या है, ये लाभ हमारा, लाभ बराबर क्या होगा, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। इस चीज का ध्यान दीजिएगा, अगर लाभ हो रहा है, अगर कहीं लाभ हो रहा है, इस पॉइंट को नोट कर लीजिएगा, अगर कहीं लाभ हो रहा है तो उसके लिए जरूरी क्या है, विक्रय मूल्य हमेशा क्या होगा, बड़ा होगा किससे, क्रय मूल्य से। जो हमारी कास्ट प्राइस है उससे हमारी सेलिंग प्राइस हमेशा बड़ी होगी, तभी हमको क्या होगा, लाभ होगा। यह तो हो गया लाभ की बात, तो लाभ हम इस प्रकार से निकालते हैं। और इसी का सेम उल्टा क्या है, हानि के लिए, इसके लिए लॉस, लॉस के लिए क्या है, इसमें हम विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य में घटाते हैं, लेकिन लॉस में क्या करेंगे, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य तो इसमें क्या अधिक होगा, जैसे इसमें विक्रय मूल्य अधिक था वैसे इसमें क्या होगा, क्रय मूल्य क्या होगा, अधिक। क्रय मूल्य क्या होगा, हमेशा अधिक होगा किससे, विक्रय मूल्य से। ये हमारा, इस चीज को हम ध्यान देंगे, इसको और इस पॉइंट को, ये दोनों पॉइंट आप ध्यान देंगे। विक्रय मूल्य हमेशा जब क्रय मूल्य से बड़ा होगा, जब विक्रय मूल्य बड़ा होगा क्रय मूल्य से, तो हमको क्या होगा, लाभ होगा। अगर क्रय मूल्य बड़ा होगा विक्रय मूल्य से तो क्या होगा,
हान होगा हमारा। अगर जैसे हम कोई पेन खरीदने गए, कोई पेन मान लीजिए खरीद लीजिए, उसका हम सेलिंग, कोई पेन हम खरीदने गए दुकानदार से और उस पेन को हमने ख़रीदा कितने रुपए में, 10 रुपये में मान लीजिए खरीद लिया पेन को, एक पेन कितने खरीदा, 10 रुपये में। अगर हम उसको 20 रुपये में बेचते हैं उसी पेन को, ये क्या होगा हमारा क्रय मूल्य, ये हमारा क्या हो गया क्रय मूल्य। अगर हम उसी को 20 रुपये में बेचते हैं तो ये हमारा क्या हो गया विक्रय मूल्य। तो हमको लाभ हुआ कि हानि हुई, 20 विक्रय मूल्य अधिक है क्रय मूल्य से, तो हमको क्या हुआ लाभ हुआ, कितने का लाभ हुआ 20 में से 10 घटा देंगे कितना आ जाएगा 10 रुपये। तो ये तो हमारा लाभ हो गया और ये हानि होगी। तो इस प्रकार से हम देखेंगे कि लाभ और हानि और इसके हर एक पहलू को देखेंगे। तो सबसे पहले प्रॉफिट और लॉस पर आधारित कुछ क्वेश्चन लगाएंगे, इसको समझेंगे, उसके बाद इसके परसेंटेज पे जाएंगे, कितने परसेंट का लाभ हुआ, कितने परसेंट का प्रतिशत लाभ और प्रतिशत हानि, परसेंटेज प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंटेज के बारे में जानेंगे। तो उसको हम कैसे निकालेंगे, इस फार्मूले को आप सभी लोग नोट कर लीजिए, आगे हम इसे 2-3 क्वेश्चन करवाते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन देखिए आप सभी लोग, पहला क्वेश्चन देखिए, कोई व्यक्ति है जो अपने टीवी को, कोई व्यक्ति है जो अपने टीवी को कितने में खरीदा है, 2500 रुपये में। तो 2500 रुपये में, जैसा कोई क्वेश्चन में दिया हो 2500 रुपये में खरीदा, तो क्या हो गया उसका सीपी क्रय मूल्य, क्या हो गया उसका क्रय मूल्य। और वह टीवी वह कितने में बेच रहा है, 3000 रुपये में, एसपी इसका क्या हो गया विक्रय मूल्य, क्या हो गया इसका विक्रय मूल्य। तो उसको लाभ हुआ कि हानि। तो देखिए जैसा कि मैंने आपको पहले, आप क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, क्रय मूल्य उसका कितना 2500 और विक्रय मूल्य 3000। तो क्रय मूल्य अधिक है कि विक्रय मूल्य, हमारा क्या है विक्रय मूल्य अधिक है, तो हमको क्या होगा लाभ होगा। तो लाभ हो, जब लाभ होगा तो प्रॉफिट बराबर क्या होता है हमारा विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, एसपी माइनस सीपी, ये हमारा क्या है फार्मूला। तो इसमें से 3000 माइनस 2500 बराबर कितना आएगा 500 रुपये, 500 रुपये का लाभ हुआ। इसी प्रकार से अगर आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, ये क्या हो गया हमारा आंसर। आप देखिए कितना आसान है इसको, आप बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत से बच्चे ये सोच रहे हैं सर क्या पढ़ा रहे हैं, लेकिन आप ये समझिए कि आप कुछ लोग इसको लगा पा रहे हैं, बाकी और बच्चे जो हैं जो इसको बेसिक से पूरा नहीं पढ़े हैं, तो उनके लिए यह क्या है पूरी तरीके से। तो जिन्होंने पढ़ा है वो आगे सवाल लगाएं और जो सवाल नहीं आता उसको पूछें, बाकी जो नहीं पढ़े हुए हैं वो इन सारे क्वेश्चन को ध्यान दीजिए और ध्यान से पढ़िए और अपने नोटबुक में इसको लिखते जाइए। बाकी हम इस प्रकार से क्वेश्चन अगले टॉपिक में, अगले क्लास में पढ़ेंगे। ये हमारा क्या था आज का टोटल इंट्रो था, किसका प्रॉफिट एंड लॉस का, किसका था हमारा टोटल प्रॉफिट एंड लॉस, इसका क्या था हमारा टोटल इंट्रो था। उसको पूरी तरीके से समझना था कि इसमें कौन कौन से पार्ट होते हैं, किसको हमको क्या करना है। बाकी अगले क्लास से पूरी इसकी रेगुलर वीडियो चलेगी, पूरा क्लास आपको इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन रहेंगे वो कराए जाएंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इसमें जोड़िए और लिंक को शेयर करिए ताकि और अधिक बच्चे जुड़ें और उनका लाभ हो।
तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद, मिलते हैं अगले क्लास में।